हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से हरियाणा के सभी 22 जिलों के लिए 3400 करोड़ रुपए की लागत की 600 परियोजनाओं की सौगात हरियाणावासियों को दी। आज का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में लाइव चला और मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, वित्त मंत्री जेपी दलाल, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि और कई बड़े नेता व अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री द्वारा 3400 करोड़ रुपए की लागत से 600 परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में युवाओं को बिना खर्ची व पर्ची के रोजगार मिला है, जबकि पूर्व की सरकारों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद चलता था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त टीजीटी और ग्रुप डी कर्मियों को शुभकामनाएं दी और टीजीटी के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। 35,000 युवाओं को और नियुक्ति पत्र हमारा देने का लक्ष्य है और लगातार ये सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर नौकरियां दे रही है। मुझे खुशी है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,45,000 से ज़्यादा इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने पिछले 10 वर्षों का हिसाब देने का काम करें। वो युवाओं को हिसाब दें कि आपकी सरकार में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से नौकरियां लगी, उसका हिसाब देने का काम करें। आप महिलाओं को हिसाब देने का काम करें, किस प्रकार से महिलाओं का शोषण इनकी सरकार में होता था, किस प्रकार से महिलाएं दो दो किलोमीटर से तीन तीन किलोमीटर दूरी से पीने का पानी लेकर के आती थी, किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता था उनकी FIR तक उनके समय में नहीं लिखी जाती थी, इसको भी बताने का काम करें। आज हमने गरीबों के लिए पोर्टल भी खोला है कि वो 100 गज का प्लाट उसके ऊपर अप्लाई कर सके। हमने आज गरीबों के लिए कल ये पोर्टल लॉन्च किया था कि वो उस पर रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहे हैं। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी के दर पे जाना पड़ा या मुझे किसी के चक्कर काटने पड़े बिना पर्ची बिना खर्ची के। कांग्रेस के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 220 परियोजनाओं का उद्घाटन और 380 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। लगभग 3400 करोड़ रुपए के सारे ये कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि पंचकुला के अंदर भी 62 ऐसे कार्य हैं जो आज जिनका उद्घाटन हुआ है और लगभग 250 करोड़ रुपए के ये सारे काम आज इनका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 315 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग कॉलेज और जो हमारा शूटिंग रेंज है उसकी सौगात पंचकुला वासियों को दी थी और पंचकुला वासियों के विकास की दृष्टि से 10 करोड़ रुपए का जो कोई भी प्रोजेक्ट करवाने का जो उन्होंने एक तोहफा दिया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के लोगों को विभिन्न परियोजनाओं की सौगातें दी हैं। बता दें कि प्रदेश में कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार उद्घाटन और शिलान्यास करने में लगी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।